हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। जिवें कि तुहानू सब नू पता कि 18 जून नू नैप तहसीलदार है जी, उस तो बाद 26 जून नू थोड़ा पीटर प्लेस भी क्लर्क है। तो इलैक्ट्रिक इंग्लिश टीम तुहाडे लई एक नवां उपराला लेके आई है, जिहदे विच आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे तुहाडे लई GS दा स्पैशल की कुछ कर रहे हैं जी, स्पैशल कोर्स उहदे विच पीटर प्लेस भी अलग तो की कर रहे हैं, तो नैप तहसीलदार लई स्पैशल अलग तो की कर रहे हैं। सोनू जगप्रीत सर स्पैशल सारा कुछ डिटेल से समझाउणगे। उदू बाद मैथ ते रीजनिंग दे लई नैप तहसीलदार लई जो भी असी स्पैशल कर रहे हैं वो तुहानू रोके सर समझाणगे जी। तो जिहड़ियां भी ये सारियां चीज़ां होणगियां यह इलैक्ट्रिक इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर होनगियां, तो ये जो चार्जिज ने निल ने इट इज़ द फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं दिता जाऊगा। एंड एक चीज़ का तुम्हें रिक्वेस्ट है जी कि अगर तुम इस सीरीज़ के नाल फ्री ऑफ चार्ज जी सीरीज़ का क्रैश कोर्स जुड़ना जी तो टैलीग्राम नाल जरूर जुड़ियो, क्योंकि सारी इनफॉर्मेशन उत्थे ही अपडेट होगी। कोई भी नवी PDF पा रहे हैं, कोई भी क्लास इनफॉर्मेशन पा रहे हैं, कोई क्लास ऑल्टर हो रही है, जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन होगी वो टैलीग्राम पर पेगी, तो वह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के विच है। सो मैं हुण माइक करदा हैंड ओवर जगप्रीत सर नूं, पहला तुहानूं वो GS बारे दसणगे, उदू बाद फिर तुहानूं रॉकी सर मैथ रीजनिंग बारे दसणगे, लास्ट ते मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इंग्लिश बारे ते क्लास दी टाइमिंग बारे दसूंगा। स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। जिवें तुहानूं पीयू सर ने दसी दित्ता कि अपना जिहड़ा GS वास्ते क्रैश कोर्स स्टार्ट कीता है PPS एग्जाम नैब तहसीलदार दे लई अते क्लर्क TPLSB क्लर्क दे लई, ठीक है ना। तो इस दे विच राजे अपने कोल स्पैशल की होगा, तो स्पैशल आपां नैब तहसीलदार कोल जिन्ना भी समा हैगा आपां इस 'च पढ़ांगे टॉपिक वाइज पॉलिटी, टॉपिक वाइज हिस्टरी, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पॉलिटी पढ़ांगे, टॉपिक वाइज हिस्टरी पढ़ांगे, टॉपिक वाइज ज्योग्राफी, पंजाब जी के इनवायरनमेंट, करंट अफेयर ते स्टैटिक जी के। हर एक चैप्टर दा, हर एक दा अपने जो भी अपना सब्जैक्ट है, हर सब्जैक्ट नूं आपां टॉपिक वाइज कंप्लीट करांगे। जिवें ना पॉलिटी की गल करिए तां तुहाडे वास्ते की प्रिपेयर कीता है कि पॉलिटी दा जो भी अपना सिलेबस है, जो भी अपने चैप्टर ने, प्रीएम्बल हो गया, यूनियन टेरेटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, यानी कि पार्ट वाइज कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन च पार्ट वाइज है कि स्टार्टिंग प्रीएम्बल तो होगी, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, 4A हो गया, अपने पार्ट के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कंप्लीट करांगे। सेम चीज़ हिस्टरी दे विच है, सेम ही ज्योग्राफी दे विच है, सेम ही पंजाब GK है, सेम ही अपना इनवायरनमेंट है। हर सब्जैक्ट नूं टॉपिक वाइज लैके चलांगे, तो डेली आपां किसी ना किसी एक सब्जैक्ट दीआं 2 तो 3 क्लासां आपां कंप्लीट करा करांगे, ठीक है ना। सिमिलरली राजे जो अपना TPLSB क्लर्क ते पंजाब पुलिस का सब इंस्पैक्टर का एग्जाम है, ज कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, उस दे रिगार्डिंग भी राजे आपां सेम चीज़ प्रिपेयर की है तुहाडे लई कि जो भी अपना चैप्टर होगा, जो भी अपने टॉपिक्स होणगे, ठीक ना, सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग आपां उन्हां टॉपिक्स नूं कंप्लीट करा करांगे। सिमिलरली जिवें पॉलिटी का सारा तुहाडे सामने मैनशन किया होया, हिस्टरी की गल करिए जिवें मॉडर्न हिस्टरी आ, तां उस दे विच आपां स्टार्टिंग करांगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तों, उस तो बाद नैक्सट आपां ब्रिटिश इंडिया की जिहड़ी पोजैशन रही है उस दे विच की रोल रहा है, दैन रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर हो गया। सो स्टैप बाय स्टैप ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ GK ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 99% ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਥ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਕੀ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਫਲਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮਹਾਂਮੈਰਾਥੋਨ, ਮਹਾਂਮੈਰਾਥੋਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, 10 hours ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 12 hours ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਸਟ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੈਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮੈਰਾਥੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
मैक्सीमम मेरी कोशिश है कि इसी हफ्ते के एंड तक मतलब दिस वीकेंड थोनों वो प्रोवाइड हो जाए कि 99% मेरी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते के एंड तक मैं थोनों वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। पता है जी फ्यूचर का किसी को नहीं पता, कोई भी एमरजेंसी हो सकती है तो एक अद्धा दिन लेट भी हो सकता है, बट 99% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोनों इस हफ्ते के एंड तक यह जो महामैराथोन प्रोवाइड करना। ठीक है जी, बिल्कुल उसी लैवल के क्वेश्चन होंगे, मैं थोड़ा दसूंगा जी। देखो आह क्वेश्चन है जिहड़ा नैब सीलदार च आया सी, इस लैवल का सी, इस दे नाल सिमिलर क्वेश्चन ने जो थोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उदों तक तुसी की करना है, उदों तक तुसी एक तो अपने बेसिक्स रिवाइज कर लेने ने, बेसिक्स रिवाइज कर लो टिल दैन। दूसरा, लास्ट ईयर कुछ मैराथोनस लईयां गईयां सी मेरे द्वारा ही, अरिथमैटिकल रीजनिंग दी, क्लोक कैलेंडर दी, ठीक है जी, कुछ मॉक टेस्ट डिस्कस किए गए सी। टिल दैन तुसीं ओह मैराथोनस देख लो, ठीक है, उन्होंने जो लिंक ने डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू मिल जाणगे। ठीक है जी, तो मेरे लिए मेरे वालों जो मैथ रीजनिंग वास्ते मैं थोड़ी एक चीज़ की गारंटी दे दिना कि क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन ने, अगर इस बार भी लैवल उही रहिंदा है तो तुहानू ओह वाले क्वेश्चन ने जिहड़े बिल्कुल ही बच्चे लगनगे, छोटे लगनगे, अगर तुसीं इह मैराथोन एक बार तरीके नाल कर ली। ठीक है जी, तो मेरे वालों नैब सीलदार लिए यही चीज़ है जी, बाकी जो भी होगा थोड़ा फ्यूचर के जरूर इनफॉर्म करांगे। ठीक है, तो हुण अगे जो भी टाइमिंग्स वगैरह ने, ठीक है, जो भी होर गल्लां ने वो पीयू सर थोड़े नाल करनगे। सो जिवें कि तुहानूं फैकल्टीज ने दसता जी, तो क्लास की टाइमिंग मैं तुहानूं दस दिंदा जी एक बार। तुसीं देखोगे जिहड़ी PPSC की क्लास होएगी GS दी, वह डेली दोपहरे 7 दिन क्लास होएगी जी। ठीक है, 3 बजे तो लैके 4 बजे तक होएगी, एंड उस तो बाद 15 मिनट की थोड़ा ब्रेक मिले करेगी, और ब्रेक तो बाद 4:15 बजे थोड़ी PSSB GS की क्लास होया करेगी, 4:15 to 5:15 होया करेगी। थोड़ा GS का आइडिया हो गया जी। हूँ इंग्लिश का मैं थोड़ा एक बार दस दिना, इंग्लिश का भी थोड़ा पता है कि काफ़ी चीज़ा हूँ तक करवा चुके हैं जी। कल एक सब इंस्पैक्टर की वीडियो पाई सी, तो क्लर्क की वीडियो पाई सी, ठीक है, स्ट्रैटर्जी की, वह वीडियो पूरा देख लो, थोड़ा काफ़ी चीज़ा आइडिया हो जाएगियाँ, तो भी की करना की नहीं करना। तो उस तो बाद जिहड़ी VSS है इस सीरीज़ नूं जल्दी रिज्यूम करांगे, हो सकता कल ही पहली वीडियो आ जाए। 19 क्लासा हुण तक हो चुकिया ने, हाथ जोड़ के बेनती है वो क्लासा नूं पूरियां करो, तो डेली नोट्स बनाओ जी, एटलीस्ट VSS सीरीज़ के नोट्स बनाओ, तो बहुत वधिया तुहानूं उस तों हैल्प मिलेगी। ठीक है, हुण अपने कोल 1 महीना पिया क्लर्क वास्ते, तो तुसीं देखोगे फिर उस तों 1.5 महीना 2 महीने तुहाडे कोल उहदे वास्ते पैणे पंजाब पुलिस वास्ते, तो VSS सीरीज़ तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। कल पोलीएंट्री एक्सरसाइज सीधा सीधा क्वेश्चन आंदा कर सकदे जे अगर तुसीं VSS सीरीज़ लाई सी। ठीक है जी, हुण अगे नैब तहसीलदार के मॉक टैसट, जिमें कि तुहानू अनाउंस किया कि नैब तहसीलदार के सिरा मॉक टैसट देवे, असं अपने वालों कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, तो नैब तहसीलदार च भी बहुत वधिया कोशिश की है, 4 to 6 mock tests, 4 तो घट्टो घट्ट देवे, कोशिश करा 6 दे, 4 to 6 mock tests कोशिश करा भी थोड़ू सुपर मॉक टैसट देिए, बारे कंप्लीट अनाउंसमेंट कलू करा जी। ठीक है, यही वीडियो इन्ना ही दसना सी। सो जे स्टूडेंट्स भाई साडा उपराला वधिया लग रहा है, साडा इनिशिएटिव वधिया लग रहा है, वो वीडियो में लाइक कर सकते हैं ताकि पता लगे भी इसे तुसी सपोर्ट करते हो। सेकंड थिंग, तुसी टैलीग्राम से तुम दोबारा दसांगे, जुड़ जाओ जी, उत्थे जिहड़ी भी अपडेट आएगी टैलीग्राम से देवांगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।